हे गाइस, वेलकम टू जेआरडी की कुकिंग डायरीज। तो हम सभी को कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाने का मन करता है जो बहुत फटाफट से और जल्दी से बनके तैयार हो जाए और हमें गर्मा गर्म खाने भी मिले। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाएंगे चीज बर्स्ट सैंडविच। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कुछ भी नया बनाएं तो आपको उसकी रेसिपी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ लिया। तो अब हमने चीज़ ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। अब इस चीज़ को हम मेल्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने कंटेनर में पानी गर्म कर लिया था। अब हम इसके ऊपर हमारा जो चीज़ का बाउल है वो रखेंगे। तो अभी चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब हम इस चीज़ को साइड रख देते हैं और अब हम ब्रेड की कॉर्नर्स को कट करेंगे। यहाँ हमने ब्राउन ब्रेड लिया, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ ब्रेड लेंगे, इसमें डालेंगे हम चीज़ सॉस जो हमने अभी बनाकर रेडी किया था। इसे हम अच्छे से पूरे ब्रेड में स्प्रेड कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे जिसकी कॉर्नर्स हमने साइड से कट करी थी। और अब हम ब्रेड के ऊपर सेजवान सॉस लगाएंगे, इसे भी हम पूरे ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर टॉपिंग्स डालेंगे, जिसके लिए हमने थोड़े से प्याज लिए, थोड़े से टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च लिए और थोड़े से बारीक कटे हुए गाजर लिए। फिर हम लास्ट में इसमें ऊपर से और चीज़ ग्रेट करेंगे। तो चीज़ को पूरे सैंडविच में अच्छे से ग्रेट कर लें और फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। तो अभी सैंडविच रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी सैंडविच भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हमने सारे सैंडविच बनाकर रेडी कर लिए। अब हम इसे पैन में डालकर सेक लेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा बटर लिया, बटर को हम मेल्ट होने देते हैं और अब हम इसके ऊपर अपना सैंडविच रख लेते हैं। हम इसे ढककर लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसकी जो ऊपर की टॉपिंग्स है वो कच्ची ना रह जाए और जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब ये सेक चुका है और इसकी जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब हम इसी तरीके से बाकी जो सैंडविच है उन्हें भी सेक लेते हैं। हमें इसे ढककर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक सेकना है। तो अब ये सैंडविच अच्छे से सिक चुका है, हम इसे भी पैन से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी भी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये दिखने में कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। तो अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है JRDK कुकिंग डायरीज। थैंक यू।